नमस्कार, जय बेल्हा देवी मैया की। यदि आप प्रतापगढ़ गए और बेल्हा देवी के मंदिर नहीं गए तो समझ लिए आपने प्रतापगढ़ ही नहीं घूमा। इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग पर सही तट पर स्थित माँ बेल्हा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। इलाहाबाद व फैजाबाद की ओर से आने वाले भक्त सदर प्रतापगढ़ बाजार जो है चौराहे पर उतर कर पश्चिम की ओर गई रोड से आगे जाकर दाहिने ओर जाएं, लगभग 200 मीटर दूरी पर माँ का भव्य मंदिर विराजमान है। प्रतापगढ़ स्थित सई नदी के किनारे पर ऐतिहासिक बेल्हा माई का मंदिर है। जिले के अधिकांश भूभाग से होकर बहने वाली सई नदी के तट पर नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ बेल्हा देवी का यह मंदिर स्थित है। इस धाम को लेकर कई किंवदंतियाँ हैं। एक धार्मिक किंवदंति यह है कि राम वन गमन मार्ग इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग के किनारे सई नदी को त्रेता युग में भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानकर बन जाते समय पार किया था। यहाँ उन्होंने आदि शक्ति का पूजन कर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा ली थी। दूसरी मान्यता यह है कि चित्रकूट से अयोध्या लौटते समय भरत ने यहाँ रुककर पूजन किया और तभी से यह स्थान अस्तित्व में आया। यह भी मान्यता है कि अपने पति भगवान शंकर के अपमान से शुद्ध होकर जाते समय माता गौरी के कमर बेल का कुछ भाग सही किनारे गिरा था, जिससे जोड़कर इसे बेला कहा जाता है। मंदिर की स्थापना को लेकर पुरावों में कहा गया है कि राजा दक्ष द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में सती बगैर बुलाए पहुंची गई थी। वहां शिव जी को न देखकर सती ने हवन कुंड में कूद कर जान दे दी थी। जब शिव जी सती का शव लेकर चले तो विष्णु जी ने चक्र चलाकर उन्हें खंडित कर दिया था। जहाँ जहाँ सती के शरीर का जो अंग गिरा वहाँ देवी मंदिरों की स्थापना कर दी गई। यहाँ सती का बेला का कमर भाग गिरा था। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तब सई नदी के किनारे पर उन्होंने मंदिर में माँ बेल्हा देवी का पूजन पूजन अर्चन किया। माता रानी के समक्ष सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप प्रतापगढ़ आते हैं तो माँ बेल्हा देवी के मंदिर जरूर आइए और माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।